सरकार बीजेपी के हो या कांग्रेस के केंद्र में तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फर्क कब पड़ता है जब किसी व्यक्ति का या किसी जात का या किसी वर्ग का जिसका हक अधिकार सुनिश्चित किया हुआ रहता है उसके बाद उसको सुनिश्चित किए गए हक अधिकार हुकूमत में जब सरकार सेंधमारी करती है या उसको उस तरीका से लाभ नहीं देता है, तब सरकार में बैठे हुए लोगों के नेताओं से सवाल, आंदोलन, प्रदर्शन जारी हो जाता है। सरकार किसी का हो इसे कोई को मतना मतलब नहीं रहता है, लेकिन जब सरकार द्वारा दी गई तमाम ऐसी उपलब्धियां रहने के बावजूद सरकार नहीं दे पाती है तब जाके सवाल के सरकार के ऊपर उंगलियां उठना स्टार्ट हो जाती है कि सरकार ने SC ST OBC को कितने हक दिए, कितने अधिकार दिए और कितने छीने हैं, और हिस्सेदारी और भागीदारी की तो बात वही करेंगे, साथ ही होता ही है। तो आज कुछ आंकड़े और डेटा लाए हैं। यह एक प्रोफेसर एडॉपोर्ड प्रोफेसर रहे डॉक्टर लक्ष्मण यादव के ट्वीट से लिया गया है। यह एक या 2:30 बजे करीब में डॉक्टर लक्ष्मण यादव ने ट्वीट किया था, उससे ही ली गई जानकारी है। आप तो डॉक्टर लक्ष्मण यादव को पहचान में करती है, 2 बार वह चर्चे के विषय रह चुके हैं। जब उनको कॉलेज से निकाला गया था एडॉप पर से, नौकरी पर से, तब और एक ने प्रोफेसर के डायरी लीक के, तब वह परिचित रहे। उसके बाद वह भाषण उषण में तमाम कार्यक्रम में दिखते हैं SC ST OBC का आवाज उठाते हुए। हम लोग का किसी भी सरकार से या कांग्रेस हो या BJP हो किसी से लेना देना नहीं रहता। जब SC ST जब OBC का जब हक छीना जाता है या उसकी हक में सेंधमारी की जाती है, तब हम लोग सरकार के ऊपर या जो भी प्रशासन होते उनके ऊपर उंगलियां उठाने के काम करते हैं। तो लिखे हैं डॉक्टर प्रोफेसर लक्ष्मण यादव ने, देश की 5 महत्वपूर्ण पदों पर मुट्ठी भर लोगों का अधिकार है, इसीलिए इसका अधिकार दिलाने के लिए जातीय जनगणना करवाना जरूरी है। उसके बाद लिखते हैं प्राइम मिनिस्टर मतलब प्रधानमंत्री सामान्य वर्ग से 21 व्यक्ति थे, OBC से 4 व्यक्ति, SC से 0/0। गृह मंत्री OBC सामान्य वर्ग के 38 थे, OBC के 2 थे, SC के 2 थे। रक्षा मंत्री सामान्य वर्ग के व्यक्ति को 41 व्यक्ति, OBC के 3, SC का 3। वित्त मंत्री सामान्य वर्ग का 45, OBC के 3, SC का 0/0। विदेश मंत्री सामान्य वर्ग का 42, OBC के 3, SC का 0/0। तो यह था आंकड़े और कुछ डेटा जो डॉक्टर लक्ष्मण यादव ने ट्वीट किए थे। तो तब उंगलियां उठती है सरकार के ऊपर कि सरकार जो हुकूमत की जो बात करती है चाहे उनको देना चाहिए, जो कौन किसको कितना खाया, किसको इस देश में कितना लाभ मिला है, तो यह लिखने का था उनका। उसके बाद जातीय जनगणना करवाना जरूरी है, उसने लिखे हैं डॉक्टर लक्ष्मण यादव, कौन किसका हक है, कुछ मुट्ठी भर लोगों का एक अधिकार है। तो इसीलिए SC ST के जो भी अंतर्गत आने वाले तो उन लोगों को भी मतलब हिस्सेदारी और भागीदारी मिलना चाहिए था।